गर्मी का वेदर सीजन जब आता है तो सबसे ज्यादा जो खाने में स्वाद बढ़ाता है वो है अचार। और पता है मुझे लगता है कि आम एक ऐसा फल है जिसको हर अवस्था में हम खाते रहते हैं। जब वो छोटा होता है तो उसकी चटनी बना दी जाती है, थोड़ा सा बड़ा होता है तो अचार ही है। Before we start this amazing, lovely event, I request we have a video about Forshin Kachhi Ghani Pure Mustard Oil. एक वीडियो हम देखेंगे और इसके बाद प्रोग्राम कंटिन्यू करेंगे। प्लीज प्ले द वीडियो। तुम आगे हो जाओ, मैम को अंदर कर दो। आप देख सकते हैं बहुत ही अमेजिंग सेटअप है आज आचार को बनाने का। और मैं आपको कहीं ना कहीं ना वो बचपन की यादें या आज से बनाना भी है कि खाने को मिलेगा, हमको बता दो खाने को मिलेगा और इसे आप लेकर के घर भी जा सकते हैं। वाराणसी की तमाम लेडीज मौजूद है। आम का ही पके आम का वो अमावट बनाती थी, तो जब आम का सीजन ऑफ हो जाता था तो वही अमावट जो है थोड़ा सा हल्का सा पानी में डाल के वो गीला कर देती थी, उससे वो रोटी रोटी खाती थी। मस्टर्ड या सनफ्लावर? हाथ ऊपर करना है, बोलना किसी को नहीं है भाई, ये हमारे वॉलंटियर है घूम रहे हैं। मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल, यस एब्सोल्युटली राइट। थोड़ी सी क्लैपिंग मैम के लिए, वीमेंस के लिए, तो एक बार क्लैपिंग इनके लिए तो बनती है। कम ऑन स्टार्ट। आम की फाकी वाला अचार, कटहल का अचार, मिर्चे का अचार, पपीते खरबूजे का अचार और आम का लच्छा, मीठा अचार, खरबूजे का अचार, अदरक का अचार, गाजर का अचार, तुलसी के पत्ते का अचार, फालसे का अचार, कटहल का अचार, करेले का अचार। तो मेरा नाम आशुतोष मिश्रा है, पिछले 3 सालों से मैं आदानी परिवार के साथ जुड़ा हुआ हूँ, जिनको कि आप मोस्टली फॉर्चून ब्रांड के नाम से जानते हैं। देखिए अगर मैं फॉर्चून की बात करूं और इस ब्रांड के बारे में बात करूं तो ये ऑयल सेगमेंट में सबसे पुराना और लीडिंग ब्रांड है। तो इन 2 महीनों को जो गर्मी का सीजन है, ये मई और जून का, ये खटास से भरा हुआ और यूं कह लें कि खट्टा और अचार के लिए स्पेशली जाना जाता है। ये दो महीने के लिए जो आया है अपना प्रीमियम सेगमेंट में, मैं इसके बारे में कुछ आपको इसकी कुछ विशेषता बता दूं। इसमें देखिए अचार के लिए उसमें टेस्ट आने के लिए सबसे अच्छी बात क्या होती है, हम उसको क्या देते हैं, तेल की पंजेंसी, जिसको कि आप लोग झास के नाम से जानते हैं। तेल में जितना, मस्टर्ड तेल में जितना अधिक झास होता है माना जाता है वो अच्छी क्वालिटी का होता है। तो इस चीज को देखते हुए इसमें हम लोग इस बात का बहुत ख्याल रखा गया है, इसमें झास घरों में यूज होता है। कौन नहीं खाता है आम का अचार? सब खाते हैं। कोई नहीं रखे मैम, जो लोग पीछे से आ रहे हैं आप कहाँ पे इन्वॉल्व होंगे? एक मिनट मैडम, जहाँ भीड़ है ठीक है, एक वॉलंटियर साइड पे पहले को बैठा दीजिए, पहले हम लोग यहाँ क्या बनाने आए हैं। एक मिनट आवाज, थोड़ी सी नॉलेज देंगे मसालों के बारे में, कैसे परफेक्ट अचार क्रिएट कर सकते हैं, कैसे इसको स्टोर किया जाए और कितने दिनों तक ये आपको स्टेबल रह सकता है, ये सारी बातें जानने के बाद हम लोग अचार मिक्सिंग स्टार्ट करेंगे। सो नेक्स्ट वॉइस ये देखिए, हम लोग अचार बनाने जा रहे हैं। अचार सब कितने खुश है, दोस्तों के साथ आते बस। अभी कोई भी ऑयल डालने का नहीं, ऑयल के लिए बताया गया है। 7 चम्मच डाले, 7 चम्मच, 6.5 डाले, हम लोग ज्यादा डाले, 7.5 डाले, 7.5 डाले। ठीक है ठीक है, चलेगा चलेगा। खाने लगे
और इससे क्या होता है, इसी तरह मिला के धीरे धीरे डालो, धीरे धीरे पहले उसको मिला लेना, मतलब कलर नहीं लग रहा है। देखिए आपका साथ में तो एक सूखा रहता है, तेल में ताकता रहता है, तेल तो ज्यादा रहेगा, तेल तो ज्यादा रहेगा तभी अचार अच्छे से, रुक जाएंगे थोड़ा ज्यादा पड़ता है तभी अचार ज्यादा दिन तक सेफ रहता है। ये मैंने अपनी मम्मी से सीखा है, मेरी मम्मी ने बताया था। और अगर अचार बनाओ, आप लोगों जाने से पहले फॉर्च्यून की तरफ से रिटर्न गिफ्ट है सभी लोगों के लिए, एक नहीं दो नहीं तीन, मतलब बहुत कुछ अच्छी चीज लेके आए हैं आपके लिए, तो प्लीज जाइएगा नहीं, इतना एंजॉय अभी आप लोग भी करेंगे जो लोग बैठे हुए हैं। आपकी स्माइल बड़ी अच्छी है। सो पहले तो बता दूं कि जो अचार आप लोग बना रहे हैं वो आप लोग लेके जाने वाले भी, तो प्लीज गाइडेंस ध्यान दीजिए। सेफ ने कहा कि बहुत टेस्टी अचार बना है, बहुत टेस्टी। मैम क्या कर रही हैं आप? मैं अचार भर रही, नहीं गंदा नहीं। अच्छा ये अचार, ये हम लोग का अचार बहुत टेस्टी बना है, हम 10 मित्रों ने मिल के बनाया है और ये अचार सब लोग भाग भाग के खा रहे हैं, बोल रहे हैं बहुत टेस्टी लग रहा है। ये इंस्टेंट अचार है ना, बहुत इंस्टेंट बनाया हम लोगों ने, 10 से 15 मिनट में हम लोगों ने ये आम का अचार बनाया है। इसमें क्या क्या डाला इंग्रेडिएंट्स आपने? ये सारा मसाला है और इसके बाद हम लोग ने नमक डाला है और ये चीनी प्योर मस्टर्ड आयल डाला है। ओके, फिर ये अचार कुछ बताइए आप लोग। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। बहुत मजा आया, बहुत मजा आया आज अचार बनाकर। ऐसे तो मैम मल्टीटास्किंग है, ये ब्यूटिशियन भी है, एक्टर भी है, यूट्यूबर भी है, ब्लॉगर भी है और एक एक बार हाथ ऊपर करें, हाथ ऊपर, यस। और मैं जैसे जैसे बुलाने लगा, सेकंड ग्रुप रहेगा, साइड से कट जा रहा है। हनी ऑयल का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि इन्होंने महिलाओं के लिए इतना अच्छा कार्यक्रम रखा था। और आइए दिखाती हूँ, लौटते वक्त हम लोग को ये पैकेट पकड़ाया गया है जिसमें एक पैकेट कच्ची धानी है जो कि बहुत अच्छा ऑयल है। इसके संग हमें ये प्लेट दिया गया है जिसमें बहुत ही टेस्टी सा खाना है, और देखिए इसमें पनीर की सब्जी है, सूखी सब्जी है, चावल है, रोटी है और बहुत ही अच्छी मखनी दाल है, और इसके संग एक गुलाब जामुन भी है। तो मैं कितनी बार थैंक यू बोलूं, बहुत बहुत धन्यवाद फॉर्च्यून। और ये हम अचार भी लेके आए हैं जो मैंने अपने हाथों से बनाया है, हमारी दोस्तों ने मिलकर बनाया है, और इसमें ना हम 10 दोस्तों का प्यार है, सिर्फ ये अचार नहीं है, ये हम सब का प्यार से बना हुआ अचार है। तो आप सबको भी ये जरूर मिला होगा, तहे दिल से शुक्रिया करिए कि फॉर्च्यून ने हमारे लिए इतना अच्छा प्रोग्राम रखा। थैंक यू फॉर्च्यून कच्ची धानी तेल।